Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज. परसेंटेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. मोस्टली हर एग्जाम में यहाँ से कम एक नंबर का क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है. प्लस किसी किसी एग्जाम में दो नंबर का या फिर तीन नंबर तक भी इसके जो क्वेश्चन है वो जा सकते हैं. यानी कि ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं परसेंटेज इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. खुद तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा हमारे चार से पांच और भी टॉपिक है जिनको सॉल्व करने में परसेंटेज हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है. आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो हमें कैसे सॉल्व करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए तो कम से कम टाइम में हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. स्टार्ट करते हैं आज के हम क्वेश्चंस को. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. इसने बोला है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, ठीक है, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए. एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो वैध मत का 85% था, है ना. उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल जनसंख्या कितनी है, यानी कि हमें क्या निकालने हैं, टोटल वोट कितने हैं, टोटल कितने वोट हुए हैं उसकी हमें वैल्यू निकालनी है. टोटल को नोट कर लें एक बार. सबसे पहले कितना है, देखो टोटल वोट हमने मान लिए कितने हैं, एक्स है, ठीक है. उसके बाद उसने बोला है 85% मतदाताओं ने अपने वोट दिए हैं. टोटल का सिर्फ और सिर्फ 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वोट डाले हैं, ठीक है. इसके बाद बोला है 4% मत अवैध है यानी कि इनवैलिड है. इसका मतलब वैलिड वोट कितने हो गए, टोटल वोट अपने आप में कितना है 100%, जिसमें कि 4% इनवैलिड है तो वैलिड कितना बचेगा 96%. मतलब जितने भी लोगों ने वोट डाले हैं उसका 96% वैलिड वोट है, ठीक है. उसके बाद बोला है उस उम्मीदवार को 85% वोट मिले हैं. उस व्यक्ति को कितना मिला है 85%, और वैसे देखें हम नंबर में तो कितना आएगा 6936. ये सारे वोट तो मिले हैं उसको एज अ परसेंटेज वैल्यू, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना आएगा 6936. यानी कि दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ से इक्वल पुट कर सकते हैं, है ना. यहाँ पे बस क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ से कुछ नहीं करना, बस हमें काट पीट के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ से देखो 5 से जाएगा 17 पे, 5 दुनी 10 और 0, फिर 5 से 17 पे ये जाएगा 5 से कितने पे 4 पे, है ना. इसके अलावा देखो 17 से कितने पे 4 पे 0, 8 पे, है ना. यहाँ से देखो 17 से जाएगा 17 दुनी 34 और फिर कितने पे 4 पे. इसके अलावा ये कितने पे जा रहा है 4 पे कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल. एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में 10,000, यानी कि टोटल जो वोट है वो कितने आएंगे हमारे पास में 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है. सेम बात है ये तो, है ना, सेम बात पूछ रखी है मैम ये तो. नहीं, सेम बात नहीं है, दोनों में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है. क्या है, क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखते हैं. ए का वेतन बी से 60% अधिक है, ये ए हो गया ये बी हो गया. अगर बी का 100 है तो ए का कितना हो गया, इससे 60 अधिक है, मतलब कितना हो गया 160. अब क्वेश्चन ने पूछा है क्या, तो बी का वेतन ए के वेतन से जिसके भी साथ में से या फिर का वर्ड लग रखा होता है उसको नीचे उतारना है, है ना, कितना प्रतिशत कम है, इससे कितना प्रतिशत कम है, ये 60% कम है, 60 कम है, है ना. से किसके साथ है, ए के साथ में, ए की वैल्यू कितनी है 160 और मल्टीप्लाई बाय 100. यहां देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा 8 पे, 4 दुनी 8, 4 से जाएगा 25 पे, 25 दिया 75, बटे में कितना आएगा हमारे पास में 2, है ना. 2 से जाएगा 3 पे 6, 2 साते 14 और कितना आएगा हमारे पास में 37.5%. राइट आंसर कितना रहेगा हमारे पास में 37.5%, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड. इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है हमें, इसने बोला है यदि निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स का भुगतान करने पर बिल राशि पर 12% की छूट मिलती है. निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करके किसी व्यक्ति को 2100 रुपए की छूट मिली है, तो टैक्स की राशि ज्ञात करें, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी
है ना। टैक्स की राशि याद करें, इसका मतलब हमें 100% की वैल्यू यहां से निकालनी है, ठीक है। ये देखो 12% की छूट मिली है ना, परसेंटेज में कितने की छूट मिली है 12% की, और नंबर में कितने की छूट मिली है 2100 रुपए की। इसका मतलब 12% बराबर है 2100 के, है ना। जैसे हम लोग मान लो किसी शॉप पे कुछ शॉपिंग करने गई हूं मैं, वहां पर किसी चीज का कुछ भी रेट है, मान लो 1000 रुपए रेट है, उसने मुझे 900 रुपए में वो चीज दे दी, 1000 रुपए की चीज थी, उसने मुझे 900 में दे दी, मतलब 100 रुपए की छूट दी है। मैं कहूंगी 10% छूट मिली है, या तो हम लोग बोल दें 10% छूट मिली है, या फिर हम लोग बोल दें 100 रुपए की छूट मिली है, दोनों चीज इक्वल है। सेम यहां पर है 12% और रुपए में 2100, दोनों चीज बराबर होंगी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो 12% है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2100, और हमें निकालनी कितने की है 100% की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। निकाल लेते हैं, बहुत ही इजी तरीका है हमारे पास में, है ना। देखो 2100 कितने की है 12% की, और हमें निकालनी है 100% की। यहां पर देखो 4 से जाएगा 3 पे, 4 से जाता है 25 पे, 3 से जाएगा कितने पे 7 पे, 25 छिके 150 होता है, 25 7 175, और 2 0 आएंगी यहां से, यानी कि 17500। हमारे पास जो टोटल है ना बिल की राशि वो कितनी आएगी 17500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। इसने बोला है यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई, तो वर्ग के विकर्ण, विकर्ण होता है डायगनल, है ना, डायगनल में हुई कमी ज्ञात करें। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 19% देन द डायगनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय। एक बार देखो हम लोग नोट करते हैं, 19% इसको कैसे लिख सकते हैं, 19% हटेगा तो नीचे 2 0, है ना। इसका मतलब 100 पर 19 की कमी हुई है, 100 के ऊपर 19 की कमी हुई है, यानी कि पहले जो एरिया था वो कितना था 100 था, तो अब उसमें 19 की कमी होगी, तो अब जो एरिया है वो कितना आएगा 81। इसको लिख देते हैं ओल्ड वाला, और इसको लिख देते हैं न्यू वाला, और ये हम लोग निकाल रहे एरिया। पहले एरिया कितना था 100 था, तो अब कितना हो गया 81 हो गया। यहां तक की बात समझ आई, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन ने बोला है कि 19% की कमी हुई है ना, 19% की कमी हुई है, यानी कि 19/100, मतलब 100 तो आइडल वैल्यू है, उस पर 19 की कमी हुई है, यानी कि पहले वाली वैल्यू अगर 100 है तो उस पर 19 की कमी होगी, अब वाली वैल्यू कितनी आएगी 81 आएगी, ठीक है। ये हमारे पास में एरिया है, ठीक है। अगर एरिया हमारे पास में 100 है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी आएगी 10, और यहां पर कितनी होगी 9 होगी। क्वेश्चन ने पूछा है डायगनल कितना कम होगा, डायगनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, डायगनल निकालने का फॉर्मूला होता है √2a, है ना। यहां पर भी सेम फॉर्मूला होगा √2a। अब यहां पर ध्यान से देखो, √2 इधर भी है इधर भी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, √2 की वैल्यू हो जाएगी साइड में, यानी कि कैंसिल हो गई, बचा क्या a, कितना है 10 है, यहां पर क्या है a, कितना है 9 है। बस यही पूछना चाह रहा है कि पहले डायगनल 10 था, अब डायगनल 9 है, तो कितने परसेंट की कमी हुई है डायगनल के अंदर, 10 से वैल्यू 9 हुई है, कितने की कमी हुई है 1 की, कितने पर हुई है 10 पर हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहां देखो 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 10%। आंसर कितना आता है यहां से हमारे पास में 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, अ पर्सन सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज 8100 टू 9000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। ये तो दे रखा है रुपए में, और हमें निकालनी है परसेंटेज में। किसी व्यक्ति का वेतन 8100 रुपए से बढ़कर के 9000 हो जाता है, तो कितना बढ़ा है, कितने परसेंट उसका वेतन, उसकी सैलरी बढ़ी है, है ना। देखो 8100 से 9000 हो गई, कितना इंक्रीमेंट हुआ है लिख लेते हैं, 9000 हुई है, कितने सौ से हुई है 8100 से, यानी कि कितनी बढ़ी है उसकी सैलरी, 900 रुपए बढ़ी है, ठीक है। कितनी बढ़ी है 900, कितने से बढ़ी है 8100 से, याद रखना जिसके साथ या तो से लग रखा हो या फिर का लग रखा हो, वो वाली वैल्यू हमेशा नीचे नोट करते हैं, है ना, वो वाली वैल्यू हम लोग हमेशा नीचे नोट करते हैं। कितना दे रखा है से किसके साथ है 8100
0.0, ठीक है, परसेंटेज निकालने इस वजह से मल्टीप्लाई बाय 100। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ ये पूछ रखा है अगर 8100 से बढ़कर की सैलरी 9000 होगी तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। 900 रुपए बढ़ी है, कितने से बढ़ी है, 8100 से मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से 2 कैंसिल, 9 में 81, यानी कि बेसिकली कितना आएगा 100/9। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 11, सही 1/9%। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 11/1/9%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है एक व्यक्ति अपने आय का 75% व्यय करता है, लिख लेते हैं 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होती है। ठीक है, आय 3 स्लॉट बना लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग, इनकम, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और तीसरा स्लॉट बनता है हमारा बचत का। आय जो होती है इंसान की हमेशा कितनी मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, उसने बोला है 75% खर्च करता है तो बचत ऑब्वियसली कितने की करेगा, 25 की। 100 वो कमाता है जिसके अंदर 75 वो खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितने की है, 25 की है। ठीक है, उसने बोला है आय में 28% की वृद्धि होती है यानी कि उसकी इनकम कितनी हो गई, 128 हो गई। ओके, और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, 10% कितना होगा, 7.5, तो 20% कितना होगा, 7.5 + 7.5, 7 × 14.5.5, 1 यानी कि टोटल 15% की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। 75 और 15, देखो 75 और 5 80 और 10 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, 128 रुपए कमाता है जिसके अंदर वो 90 रुपए तो खर्च कर देगा, तो बचत कितने की है उसकी, 38 यानी कि 38 रुपए की। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि उसकी जो बचत है, बचत का पूछ रखा है ना, हाँ, बचत में अगर इंक्रीमेंट हुआ है मतलब बचत उसकी बढ़ी है तो कितने परसेंट बढ़ी है, अगर बचत घटी है तो कितने परसेंट घटी है। सबसे पहले बात तो उसकी बचत बढ़ी है तो डिक्रीज वाले ऑप्शन को तो हम लोग साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 25 से वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, 38 यानी कि 13 बढ़ी है, कितने से बढ़ी है, 25 से, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से जाएगा 4 पे, 4 से कितने पे आएगा हमारे पास में, यहां से कितना आएगा, 52%, यानी कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसका, 52%, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है एक व्यक्ति का वेतन 7000 से बढ़कर 12000 हो जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जिसमें 9000 और 8100 वाला दे रखा था, उसी टाइप का सिमिलर सा क्वेश्चन हमें ये दे रखा है। ठीक है, सैलरी कितनी थी, 7000 थी। ठीक है, 7000 से बढ़कर के कितनी हो गई, 12000। सबसे पहली बात तो कितनी बढ़ी है, 5000 बढ़ी है। ठीक है, कितने से बढ़ी है, 7000 से बढ़ी है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, यानी कि ये बचता है हमारे पास में 500/7, 7 × 7 = 49, 1 × 7 = 7 और 3/7। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 71 सही 3/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो यदि x का 49% इक्वल्स टू y, इफ 49% ऑफ y इक्वल्स टू 49, हम लोग लिख लेते हैं। सबसे बेस्ट बात पता है मैथ्स की क्या होती है, सबसे अच्छी बात मैथ्स की प्लस में लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की, जो भी दे रखा है क्वेश्चन ने, अपने दिल की अपने मन की कुछ मत सुनो, जो भी क्वेश्चन ने दे रखा है उसको एज इट इज हमें मैथ्स की फॉर्म में उतारना होता है ना। क्वेश्चन ने हिंदी में या फिर इंग्लिश में हमें कुछ भी लैंग्वेज दे रखी है, हमें जस्ट उस लैंग्वेज को पढ़ना है, एनालाइज करना है और हमें मैथ्स की फॉर्म में उसको उतारना है। देखो 49% ऑफ x, x का 49%, x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 49 और परसेंट के नाम के आएंगे नीचे 2 0, बराबर है किसके, y के। इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो x को यहां पर एज इट इज रखेंगे, y है उधर मल्टीप्लाई में है, यहां नीचे किसमें आएगा, डिवाइड में। ठीक है, ये नीचे डिवाइड में है 100, ऊपर जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, 49 मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू के उधर किसमें आएगा, डिवाइड में, यानी कि बेसिकली y की वैल्यू है 49 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 100 है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही क्वेश्चन था, जो काम का बोल सकते हैं इतना ही क्वेश्चन था। अब देखो क्या करना है, मोस्टली क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, अब क्या करना है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो 50% ऑफ y,
वाई का 50%, वाई कितना है 49, ठीक है, इसका कितना निकालना है 50% हमें निकालना है। दो पे ये कितने पे जाएगा, दो दुनी चार, दो चौके आठ, 24.5%, है ना, 24.5%, यानी कि दो ऑप्शन तो हमने टोटली नेग्लेक्ट कर दिए, बचता है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो 24.5% है, किसका निकाल रहे हैं हम लोग, 50% ऑफ y, y का निकाल रहे हैं, ना y का निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली y का तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, मतलब राइट आंसर कितना होगा हमारे पास पे, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा हमारे पास में ये भी बनता है, क्या y का 50% जो है, y का जो 50% है वो इतना परसेंट है किसका आएगा हमारे पास में, x का आएगा, तो डायरेक्टली भी देख सकते हैं और हमें ये तो पता ही है कि y का तो हो ही नहीं सकता, y की तो हमने वैल्यू निकाली ही है, तो यहां से भी हमें पता चलता है कि राइट आंसर क्या है हमारे पास में इधर से, ऑप्शन नंबर डी। इसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। इसने बोला है किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई ठीक है 40 की, उसके बाद बोला है 25% की कमी होती है ठीक है, और फिर बोला है 15% की वृद्धि होती है ठीक है, और 20% की कमी होती है हमने लिख लिया माइनस में, यही था ना, 40 की वृद्धि ठीक है, 25 की कमी हुई है ठीक है, 15% की वृद्धि हुई है ठीक है, 20% की कमी हुई है ठीक है, संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या फिर कमी का प्रतिशत याद करें। इजी सा क्वेश्चन है, वैसे तो एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना है, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन बोल सकते हैं, है ना, हमें दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है इजी एंड हार्ड, ठीक है, लेकिन इजी में भी एक और सब पार्ट सब टाइप आने लगी आजकल, जिसको बोलते हैं कैलकुलेटिव। इजी तो है क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, फॉर्मूला वही बेसिक है हमारे पास, एक बार फॉर्मूला को थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख लेते हैं, क्या आएगा x + y + का xy / 100। चलो सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग की दो टर्म्स यूज कर लेते हैं, फर्स्ट ये मान लेते हैं x है और इसको मान लिया हमने क्या है y, ठीक है, इन दोनों को हम लोग लेके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो कितना है x की वैल्यू कितनी है 40, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 40 गुना 25 बटे में कितना आएगा 100, यहां से देखो कितना आएगा, 40 में से 25 गया कितना 15, ठीक है, माइनस का 25 से जाएगा 4 पे, 4 से जाएगा 10 पे, 15 माइनस का 10 कितना बचेगा हमारे पास में 5, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स मान लिया 15 है प्लस माइनस माइनस, और यहां से कितना आएगा माइनस 15 गुना 20 बटे में कितना है 100 है, है ना, 15 में से 20 जाएगा माइनस का 5, माइनस का 0 से 0, 2 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 3 पे, माइनस का 3 कितना आएगा माइनस का 8। अब हमारे पास में एक और काम आ गया, एक और चीज करनी पड़ेगी हमें, 5 का और 8 का भी तो निकालना पड़ेगा ना, ओवरऑल पूछ रखा है ना, 5 का और 8 का फिर से निकालते हैं, प्लस का 5 माइनस का प्लस माइनस माइनस 5 गुना 8 बटे में 100। यहां देखो माइनस का 3 ठीक है, यहां पे 5 दूनी 10 और 0 है ना, यहां से देखो इसको हम लोग कर ले, 2 से जाएगा कितने पे 4 पे, इसको लिखेंगे 0.4, माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस का, कितना आएगा 3.4, माइनस का है यानी कि डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज तो साइड में रखेंगे, कितना हुआ है 3.4 का, यानी कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, आया क्वेश्चन समझ, क्या दे रखा था 40 घड़ा भड़ा फिर 25 घटा फिर इतना भड़ा फिर इतना घड़ा, अलग अलग हमें दे रखा था, हमें करना क्या है बेसिकली, अलग अलग नहीं करना है, हमारा काम क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन ने पूछ रखा हमें अलग अलग नहीं, हमें ओवरऑल बताओ कि एट लास्ट रिजल्ट क्या आया है, तो हमने वही निकाला है, लास्ट में क्या आया है डिक्रीज हुआ है और कितने का हुआ है 3.4% का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10th, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसने बोला है किसी कक्षा में 5 वर्ग है, यानी कि 5 सेक्शन है, जिसमें 25-30 लिख लेते हैं, देखो 25 उसके बाद है 30, फिर दे रखा है 40, फिर दे रखा है 45 और फिर दे रखा है 60, इतने छात्र हैं, इन वर्गों की उत्तीर्ण प्रतिशतता यानी कि पासिंग का जो रेशियो है वो 20% हुआ है, ठीक है, फिर 30 है, फिर 35, 40 और 100% है, पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशतता यानी कि द पास परसेंटेज ऑफ एंटायर क्लास इज, टोटल क्लास में कितना परसेंटेज पास हुआ है, हमें वो वाली वैल्यू निकालनी है ना। देखो
25% 30, 40, 45 और 60 हमें दे रखा है, ठीक है। 20% फर्स्ट वाली जो क्लास है इसमें 20% बच्चे पास हुए हैं। 10% कैसे निकालते हैं हम लोग, एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, है ना। 10% कैसे निकालते हैं, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि 2.5, 2.5 है 10%। 20% कितना होगा, 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5, यहां पर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। फिर हुए हैं 30%, 10% कितना है, 3 है, तो 30% कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है 35%, 30% कितना होगा, 10% कितना है, 4 है, है ना, यानी कि 12 और 2 16। इसके बाद देखो 40%, 10% कितना है, 4.9। 20% कितना होगा, 4.5 सॉरी, 20% कितना होगा, 9, तो 40% कितना होगा, 18। इसका कितना है 100%, यानी कि 60 के 60 क्या हुए हैं, पास हुए हैं। यहां तक का क्वेश्चन समझ आया कि डायरेक्टली परसेंटेज कैसे लिखा, इतना आई होप समझ आया होगा। इसके बाद देखो क्या बोला है, पूरी कक्षा में, पूरी कक्षा में निकालना है, इसको जोड़ लें, देखो कितना है 40 और 60 100, इसके अलावा 4 2 6 7 70 और 30 कितना हो गया, 200। यहां टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 200 हैं, लेकिन पास कितने हुए हैं 200 में से वो चेक करते हैं। 9 और 5 14 है ना, 14 और 16 कितना, 30, यहां से कितना आएगा 30, 18 और ये कितना है 60 है ना। 8 6 3 9 और 1 10 कितने पास हुए हैं, 108 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 9 और 5 कितना, 14, 14 और 16 कितना आएगा हमारे पास में, 16 ही पास हुए ना यहां से, थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड का था 35, 4 3 12 और 13 14, 14 आएगा ना, 35% दे रखा है, तो 4 3 12 और 13 14 आएगा यहाँ पे। इसको इरेज करके एक बार लिख लेते हैं, ये कितना आएगा हमारे पास में, 14 स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल देखो अब कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, इसको एक बार जोड़ लेते हैं, कितना बनेगा, 5 और 9 14, 14 28 और ये कितना है 18, ये कितना है 60, 8 8 16, 6 2 8, 9 और 1 10, टोटल कितना होगा 106, है ना। पासिंग स्टूडेंट्स कितने हैं 106 और टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे थे हमें 200। क्वेश्चन ने पूछा है परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कितना है, टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं 106, कितने में से हुए हैं 200 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से जाएगा कितने पे, 2 5 10, 2 3 6, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 53%। राइट आंसर कितना रहेगा हमारे पास में, यानी कि ओवरऑल कितने बच्चे पास हुए हैं अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 53%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आज हमने कंप्लीट किया है परसेंटेज टॉपिक, जिसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, कम से कम इसकी 5 से 6 ऐसे टाइप है जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और जिन क्वेश्चंस के अंदर हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो वो सारी कंफ्यूजन दूर करने की एक छोटी सी इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। Thank you so much for watching the video.